एल्केन फॉर्मेशन का थर्ड मेथड है बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। किसकी रिएक्शन है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा, सोडियम सॉल्ट जनरली लिया जाता है, सोडियम पोटेशियम कुछ भी ले लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और उसका सॉल्ट बना दिया एसिड बेस रिएक्शन करके, ये पोटेशियम या सोडियम कुछ हो, एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, के सॉल्यूशन में आपने दो इलेक्ट्रोड डिप कर दी और उसमें से करंट पास किया तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस का परिणाम निकलता है आर आर कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ भी वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, और CO2 गैस भी बाहर निकलती है, H2 गैस भी बाहर निकलती है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी बनता है। बैलेंस नहीं किया इक्वेशन कर लेना, ये दोनों गैस बाहर निकलती है एनोड से, तो ये बाहर निकलती है कौन सी गैस, CO2, और कैथोड से ये गैस बाहर निकलती है H2 गैस। कैसे मैकेनिज्म पढ़ना है इसका, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसकी, मैकेनिज्म है इसके फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं सुनना, नहीं ये तो पता है आपको फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, देखो एक्वस सॉल्यूशन में जो सॉल्ट होता है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में ही रहता है, वैसे तो सॉल्ट प्लस माइनस के फॉर्म में ही रहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में तो वो क्या हो गए, फ्री हो गए, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन और ये रहा पोटेशियम एक्वस सॉल्यूशन में पानी के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और मैंने कहा ना इलेक्ट्रोड डिप किए हैं, तो एनोड पर क्या होगा, ऑन एनोड, एनोड पर होगा हमेशा ऑक्सीडेशन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसा होता है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन एब्जॉर्ब, किससे एब्जॉर्ब किया जाएगा, इससे एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ये है जिससे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नेगेटिव चार्ज है, इससे एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ रेडिकल, दो लोन पेयर तो हैं, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया गया किसने, एनोड ने, और ये फ्री रेडिकल बना दिया, और ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, पहले तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, डेफिशिएंसी हो गई, सहन नहीं कर सकता ये, ओके ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, बहुत अनस्टेबल स्टेट में चला गया, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए पड़ोसी का घर तोड़ देता है, कैसे, देखो वो एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड टूट जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ने इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो CO2 खुश हो जाएगा, भले ही R बन जाए क्या फर्क पड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन R पे ही रह गया, तो क्या बना, ये बना R रेडिकल प्लस CO2 गैस। अब R रेडिकल बना, कार्बन रेडिकल ऑक्सीजन रेडिकल से तो ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहेगी कि लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर, ऑब्वियसली ना लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर, तो यहाँ R रेडिकल बनेगा। अब एनोड के पास में आर रेडिकल खूब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो आर रेडिकल और आर रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं ना बहुत तेजी से, तो तुरंत बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा, ये तो होता है एनोड की कहानी। अब कैथोड पे क्या होता है, ऑन कैथोड, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो यहां वाटर का रिडक्शन होता है, एक्वस सॉल्यूशन का होता है, ये वाटर का रिडक्शन होता है, वाटर इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है और
हाफ एच टू का मॉलिक्यूल बनता है प्लस ओ एच माइनस बनता है। ये ओ एच माइनस पोटेशियम के साथ के ओ एच के फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ऐसा यहाँ होता है। अब कुल मिला के सोचने समझने की क्या बात है कि जिस कार्बन से ये सी ओ एच जुड़ा हुआ है, जिस आर से, ये तो बाहर निकल गया सी ओ टू के फॉर्म में और इस आर पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, आर रेडिकल बना और वो आर और आर आपस में कंबाइन हो जाएगा, वुड्स रिएक्शन जैसे ही तो है, वुड्स रिएक्शन में भी तो ऐसा ही हुआ है, अभी अभी बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी। लिखो इसे, मैं मिटाता हूं, एग्जाम्पल बनाएंगे फिर ऐसे ही करो। ये लीजिए अब एग्जाम्पल, अगर वुड्स रिएक्शन समझ में आ गई तो अब ये भी समझ में आ जाएगी, उसके प्रोडक्ट बनाने आ गए। मैकेनिज्म का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इतना सा समझना था कि आर रेडिकल बनते हैं और वो आपस में कंबाइन होते हैं। ये लीजिए एग्जांपल नंबर वन, CH3COOK इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा एल्केन बनेगा। एग्जांपल नंबर टू, ये लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अभी कुछ देर पहले वुड्स रिएक्शन भी पढ़ी है आपने, इस बार इसका मिक्सचर ले लिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनना चाहिए। देखो मैं कितने के एग्जांपल लिखवा सकता हूँ, ये लीजिए इस बार सोडियम ले लिया जाए, एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये लो इंट्रामॉलिकुलर भी इसी में डाल देता हूँ, बनाओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल नंबर सिक्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या प्रोडक्ट बनाना है। एग्जाम्पल नंबर सेवन, एग्जाम्पल नंबर सेवन में अब सुनो और ध्यान से सुनो और ध्यान से प्रोडक्ट बनाओ, क्या प्रोडक्ट बनाना है सोच समझ के। CO2 तो गायब हो जाता है, रेडिकल रहेगा यहाँ पर, CO2 गायब हो जाएगा, रेडिकल रहेगा यहाँ पर, अब जो होगा तुम्हारे हवाले। ये है, इस बार डबल बॉन्ड ले लिया मैंने और यहाँ पोटेशियम लगा दिया, यहाँ पोटेशियम लगा दिया, ऐसे बनाता हूँ। चलो ये सिस फॉर्म है, दो ग्रुप सेम साइड हो तो सिस होता है, और इस एसिड का नेम था, अगर यहाँ एच और एच होता ना एसिड तो मैलेइक एसिड, अभी ये मैलेइक एसिड का सॉल्ट है तो मैलेट बोल देते हैं, पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट, 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 इस तरह से बन जाता है। अगर ये अपोजिट साइड होता तो ट्रांसफॉर्म कहा जाता है उसे, तब भी रिएक्शन हो जाती है। इसका भी वही कराओ जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए, प्रोडक्ट्स बना दो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन किया है, बिल्कुल आर आर को कंबाइन करना है यहां भी। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इजी सी रिएक्शन है, करें। ये लीजिए, ये रहा, ये CO2 तो निकलने वाला है और यहां मिथाइल रेडिकल बनेगा और ये मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल से कंबाइन हो जाए, यहां ये CO2 निकलेगा तो इथाइल रेडिकल बनेगा CH और ये इथाइल रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा, यहां मिथाइल भी है इथाइल भी है तो मिथाइल मिथाइल भी कंबाइन होंगे, इथाइल इथाइल भी कंबाइन होंगे और मिथाइल इथाइल भी कंबाइन होंगे, ये मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट्स का। इस केस में यहां रेडिकल बनेगा और ऐसा कैसा दूसरा रेडिकल भी बनेगा एनोड पर और ये आपस में जुड़ जाएंगे, इंट्रामॉलिक्युलर रिएक्शन भी होती है।
ये CO2 निकलेगा इस जगह रेडिकल बनेगा यहां, ये CO2 निकलेगा यहां रेडिकल बनेगा, और रेडिकल वाला कार्बन इस रेडिकल वाले कार्बन से इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन क्यों ना करे, आपस में क्यों ना बॉन्ड बनाए। तो ये इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ये भी इंट्रा मॉलिकुलर वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है, और ये बताने के लिए लिया है कि थ्री मेंबर रिंग इसमें भी बन सकती है। यहां ये ग्रुप बाहर निकलेगा रेडिकल इस कार्बन पे बनेगा, ये CO2 निकलेगा रेडिकल इस कार्बन पे बनेगा। अब ये रेडिकल आपस में ही क्यों ना जुड़ जाएं, ये दोनों बॉन्ड आपस में क्यों ना जुड़ जाए, एल्कीन बन गया। इस एल्कीन को कॉमन नेम क्या है, इथाइलीन, कॉमन नेम भी तो बता देना चाहिए। ये सिस कंपाउंड था जिसे मैलेट कहते हैं, ट्रांस वाला जो कंपाउंड है ना उसे फ्यूमरेट कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट है फ्यूमरेट, पोटेशियम फ्यूमरेट, अरे यार ये ओ, पोटेशियम फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, पोटेशियम फ्यूमरेट के इससे भी और इससे भी दोनों का प्रोडक्ट सेम होंगे, क्योंकि ये जब बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर रेडिकल, ये बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पर रेडिकल, और दोनों रेडिकल वाले कार्बन आपस में जुड़ गए। तो डबल बॉन्ड तो पहले से था, एक और बॉन्ड बन गया तो एल्काइन बन गया, सेम एल्काइन यहां भी बनेगा, सेम एसिटिलीन यहां भी बनेगा, कॉमन नेम एसिटाइलीन है, एसिटाइलीन, आईयूपीएसी नेम इथाइन है। इस तरह से वुड्स रिएक्शन हो जाती है। वुड्स रिएक्शन क्या, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन लेता हूं, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जल्दी से लिखो इसे, तो कंप्लीट करो, मिटा रहा हूं। फोर्थ रिएक्शन लेते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ है बाय डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड को गायब करना, उड़ा देना उसे, डीकार्बोक्सिलेट करना। जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन हटा दिया जाए तो डीब्रोमिनेशन होगा, हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो डीहाइड्रोजनेशन होगा, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हटा दिया जाए तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, जहन में बैठ जाए, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, या हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही हो सकता है। एक्वस मीडियम में रिएक्शन की जाती है, और रिएक्शन में डालते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सोडा लाइम, याद रहेगा सोडा लाइम। होता क्या है, एक कार्बन कम हो जाता है और R के साथ H कंबाइन हो जाता है, हो जाता है, ये बात की बात है, कैसे होता है वो छोड़ो, R के साथ में H कंबाइन हो जाता है, और ये जो CO2 है इन दोनों में से जो भी लिया वो CO2 सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकलता है, बैलेंस नहीं कर रहा इक्वेशन, इस तरह से ये इक्वेशन होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इसमें कैटलिस्ट का काम करता है, एक कार्बन कम करने का मेथड है, किसी कंपाउंड में किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्स नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन करोगे तो उससे एक्स से कुछ कम कार्बन वाला ही एल्केन बनेगा, एक भी हो सकता है, ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ज्यादा कार्बन भी कम हो सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना। मैकेनिज्म क्या है बता देता हूं, मैकेनिज्म बताने में मुझे क्या दिक्कत है ना, लेकिन मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि R से H जोड़ना है जब सोडा लाइम दिया हुआ हो, ये दिमाग में बिठाना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये रिएक्शन है कि हाँ लर्न करने की, तो यही रिएक्शन है, इतना सा ही लर्न करना है। R की जगह मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल बेंजीन कुछ भी रख के दे दूं क्या फर्क पड़ता है, रिएक्शन तो वही होगी, R H आ जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म लर्न करने से पहले ये याद होना चाहिए, सोडा लाइम कहते हैं, सोडा लाइम के साथ में CO2 गायब हो जाएगा, COH गायब हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक गायब हो जाएगा। मैकेनिज्म बताना तो मेरा धर्म है तो मैं बताऊंगा ही, मैकेनिज्म में क्या होगा भाई, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड है
कार्बोक्सिलिक एसिड है या सॉल्ट है, या एसिड भी लिया तो पहले NaOH से रिएक्शन ही करेगा, एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन में सॉल्ट बनता है। तो कहने का मतलब ये OH माइनस जो है बेस का, वो इस H प्लस को निकाल ले जाएगा और क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस बना और यहां H2O बाहर निकला। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ये ओ माइनस डबल बॉन्ड बनाता है, इस जगह यहां डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला कार्बन टूट के इस जगह इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस पर आ जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इस आर का है ही ना, इस कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो इस आर का ही है, अगर वो इलेक्ट्रॉन ही इसके पास रहता तो फ्री रेडिकल बनता, लेकिन ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गया तो उसे ऐसे ही शो किया जाता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पॉजिटिव बना, और पॉजिटिव और नेगेटिव ने डबल बॉन्ड बना ही लिए, ये CO2 गैस बाहर निकली। अब CO2 गैस बाहर निकल नहीं पाती एक्चुअली, यहाँ NaOH से वो रिएक्शन कर लेती है, यहाँ NaOH एक्सिस में डाला हुआ है। अच्छा आर की बात सुनो तुम, तो RDS यही होता है, RDS पहले सुना है क्या तुमने कभी, नहीं सुना तो सुन लो, RDS means रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये है RDS। ये क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं यहां से, रिएक्शन आएगी अभी, पहले रिएक्शन कंप्लीट करें फिर RDS की बात करें, पहले रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये जो R माइनस बना है, अभी मैंने बताया था R माइनस तो एक अच्छा बेस भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है, इसको चाहिए कोई दे दो मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन तो खैर इसके पास में है, कोई प्लस दे दो, H प्लस दे दो। तो ये कार्बन जो है, कार्बन माइनस एक बहुत अच्छा बेस होता है। अरे यार बेस तो तुम पढ़ा चुका हूँ मैं GOC में, कार्बन माइनस बहुत अच्छा बेस होता है, ये बताया हुआ है, कार्बन माइनस तो वीकर होता है ऑक्सीजन माइनस, है ना, तो कार्बन माइनस बहुत अच्छा बेस होता है। यहाँ वाटर जो है एक्वा सॉल्यूशन है ना, उससे ये वाटर का H एब्जॉर्ब कर लेता है और OH को फ्री कर देता है, ये OH फ्री हो गया, आया था यहाँ पर वापस रिएक्शन में आ गया। अब OH और कैल्शियम मतलब ये हो गया NaOH, Na है यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, तो NaOH और CO2 क्या बना लेते हैं, NaOH प्लस CO2, CO2 को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके टू मॉलिक्यूल से रिएक्शन होती है, सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बैलेंस कर लेना, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, बैलेंस ही है तो इक्वेशन। ठीक है, कुल मिला के क्या हुआ, ये R माइनस बनता है इस जगह, ये R माइनस बनता है, इसमें इंटरमीडिएट कौन है, कार्बन माइनस, इंटरमीडिएट कौन है, कार्ब एनायन कार्बेनियन, ध्यान से सुन लीजिए, R माइनस बनता है, कार्बन माइनस जाके H से जुड़ जाएगा इसलिए RH बनेगा, बस इतना याद रखना है। अब RDS के बारे में एक्स्ट्रा बात चल रही थी, उसके सुन लो आप, अगर कोई रिएक्शन, मैं बोलूंगा ही लिखवाऊंगा नहीं उसके बारे में, ये काइनेटिक्स में आएगा, 12th क्लास का टॉपिक है, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो तो तीनों, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन तीन स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उन तीनों स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होगा, उस सबसे स्लो स्टेप का जो रेट है वही पूरी रिएक्शन का रेट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है स्लोएस्ट स्टेप पर, और जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और उसे ही RDS हम लोग बोल देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसे आप इस तरह से समझो, बहुत सिंपल तरीका है, हर क्लास में मैंने यही एग्जांपल लिया है। ये मान लीजिए ये एक मशीन है, मशीन याद आया, हाँ मशीन 3 idiot वाली, हाँ मशीन की डेफिनेशन समझ गए हो तुम, तो ये मशीन है, इसके 3 component है, ऐसा मान लीजिए 3 component है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। एक फैक्ट्री में इस मशीन को तैयार किया जाता है और उस फैक्ट्री में एक दिन में मैक्सिमम, ये जो ए पार्ट है ना, लिख सकता हूँ इस समय,
ए बी और सी तीन कंपोनेंट है। एक दिन में ये ए पार्ट देखो कितना छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत एक्यूरेसी की जरूरत है। एक दिन में केवल ये 10,000 पार्ट पर डे बन सकता है। एक दिन में केवल 10,000 पीस इसके बन सकते हैं, किसके? ए के। बी कंपोनेंट कौन सा था? ये था। इसके तो एक दिन में मैक्सिमम, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 50,000 पीस पर डे बन सकते हैं। ये सी पार्ट है, इसके मान लेते हैं 40,000 पीस के मतलब किलो पीस पर डे बन सकते हैं। तो अब बताओ ये तीन पीस बन गए उस फैक्ट्री में और फिर उसको असेंबल किया जाएगा, जोड़ के तैयार करके इसी मशीन को तैयार कर दिया जाएगा। तो अब बताओ वो जो फैक्ट्री है, वो जो कंपनी है, उस मशीन को तैयार करती है, वो मैक्सिमम अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करे तो ये उनका स्टेप वन का फॉर्मेशन का रेट है, स्टेप बी के फॉर्मेशन का रेट है, स्टेप सी के फॉर्मेशन का रेट है। तो मैक्सिमम कितनी मशीन पर डे फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्या होगा उसका रेट? समझ गए क्या होगा रेट? 10,000। हाँ 10,000। जब तक ये ए कंपोनेंट नहीं बनेगा, बी और सी कंपोनेंट से क्या पूरी मशीन तैयार हो जाएगी क्या? तो पूरी मशीन को तैयार करने के लिए वो कंपोनेंट जो सबसे स्लो स्टेप से बन रहा है, वो बन के तैयार होते ही मशीन तैयार हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ है कि ये मशीन जो है उसका फॉर्मेशन का जो रेट है वो ए के फॉर्मेशन के रेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये स्लोवेस्ट स्टेप है। ए का स्टेप, बी स्टेप और सी स्टेप, ए कंपोनेंट बनना, बी कंपोनेंट का रेट, सी कंपोनेंट का रेट, जो सबसे स्लो स्टेप है, जो सबसे स्लो रेट से बन रहा है वो कंपोनेंट पूरे मशीन के फॉर्मेशन के रेट के बराबर है। यही कॉन्सेप्ट रिएक्शंस में भी काम करता है। अगर एक रिएक्शन में ए से बी बना, बी से सी बना, सी से प्रोडक्ट बना, ऐसे कई स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, तो इन कई स्टेप्स में जब रिएक्शन होती है, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उससे मतलब नहीं है, नेचर में ऐसा होता है। ये RDS भी जो होता है ना, ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मैंने लिख दिया कि ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, ये नहीं है, तो ये भी मैंने मनमर्जी से नहीं लिखा, ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, तब बताया गया कि हाँ यार ऐसा होता होगा, ये वाला स्टेप RDS रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि कोई रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो जो सबसे स्लो स्टेप है उसे ही हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि पूरी रिएक्शन का जो रेट है वो उस स्लो स्टेप की रेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया, उसे RDS कहा जाता है। इसे तो मिटा दें। तो इस रिएक्शन में सबसे स्लो स्टेप ये है और इस स्टेप में, इस स्टेप का जो रेट है तो पूरी रिएक्शन पर डिपेंड कर, पूरी रिएक्शन का रेट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब RDS में क्या बना? एनायन बना। ये एनायन जितना स्टेबल होगा थोड़ा जल्दी बन जाएगा। मान लीजिए ये प्राइमरी एनायन है, तुम्हें पता होगा एनायन प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है, कैटायन टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मान लीजिए ये प्राइमरी एनायन होता तो थोड़ा फास्ट बन सकता था, ये सेकेंडरी होता तो थोड़ा स्लो बन सकता था, टर्शियरी होता तो और स्लो बन सकता था। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस आर के ऊपर भी डिपेंड करती है ना। तो यहाँ लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंटरमीडिएट, एनायन इंटरमीडिएट। कौन है एनायन इंटरमीडिएट? कार्बन माइनस। ठीक है, इसी कारण से प्राइमरी एनायन की जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, सेकंड की कम होगी, थर्ड की और कम होगी, टर्शरी की और कम होगी। मैं लेता हूँ एग्जांपल, इसे तो लिखो आप जल्दी से बना लो। लिखे, एग्जांपल्स भी लेता हूँ और इस कॉन्सेप्ट को भी समझा देता हूँ। मैकेनिज्म तो समझ में आ गई होगी, एनायन से बनता है और फिर भी आर एच ही तो बनाना है हमें।
देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है CH3COOH है और यहां ये वाला कंपाउंड है और यहां ये टर्शरी पे COOH है, इन तीनों का सोडा लाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्शन भी करा दो सेम कंडीशन में, कैल्शियम ऑक्साइड सेम कंडीशन में रिएक्शन किया, हीट वीट कर लेते हैं थोड़ा बहुत तो कर लो, है ना, और कंडीशन सेम है केवल ये R ग्रुप ही डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट बनाओ और इनकी रिएक्शन का रेट मान लीजिए R1 है, ये रिएक्टिविटी R2 है, इसकी रिएक्टिविटी R3 है, इनकी रिएक्टिविटी में भी कंपैरिजन करो, कौन से डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट करेगा कौन सा स्लो करेगा, तो पहले प्रोडक्ट्स बना लीजिए, क्या होता है ये CO ये तो गायब हो जाएगा और R पे H जुड़ जाता है, तो इस R पे H जुड़ेगा तो ये CH4 हो जाएगा, इस पे H जुड़ेगा तो ये प्रोपेन हो जाएगा, इस पे H जुड़ेगा तो ये आइसोपेंटेन आइसोब्यूटेन हो जाएगा, है ना, ये कार्बन तो गायब करना है, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। अगर मैं रेट की भी बात करूं, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी भाई, ये प्राइमरी एनायन बनता है, ज्यादा स्टेबल होता है तो उसका आरडीएस कंपैरेटिवली फास्ट होगा, इसलिए आर वन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, आर टू की कम होगी, आर थ्री की और कम होगी, टर्शरी की इसलिए कम होती है, ये बताना था, ठीक है। अब एग्जांपल्स करते जाओ, रिएक्टिविटी की बात नहीं करूंगा मैं, इस कंपाउंड में भी रिएक्शन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डाल दो सोडा लाइम और प्रोडक्ट बना दो जल्दी से, बहुत इजी सी रिएक्शन है, फटाफट करो। मैं करूं, अरे कुछ नहीं, सी ओ एच को गायब करना है, इसकी जगह एच ऐड करना है, और क्या करना है, हो गया रिएक्शन। टॉपिक चल रहा है एल्केन, ये देखो बेंजीन फॉर्मेशन की रिएक्शन भी आ गई, बेंजीन चैप्टर में भी आएगी रिएक्शन, एल्कीन फॉर्मेशन की रिएक्शन अभी बताई थी ना, एसिटिलीन बन गए थे उनमें भी आएगी रिएक्शन। चलो लिखो इसे, मिटा रहा हूँ, और एग्जांपल लेते हैं एक दो। एग्जांपल नंबर कौन सा आने वाला था पता नहीं, थर्ड आएगा मेरे ख्याल से, हाँ ये कंपाउंड है, इस जगह सी ओ एच है, यहाँ भी सी ओ एच है और इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कर दी गई, कुछ रहने दो इस जगह तो कहने का मतलब ये था कि अगर किसी कंपाउंड में दो दो सी ओ एच भी हों तो वो भी बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाएंगे, ज़्यादा होंगे तो भी सोडा लाइम से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, एक कंपाउंड है ए, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब इसमें एक ही सी ओ ओ एच है, एक ही सी ओ एच है, और इसमें मैंने सोडा लाइम डाल दिया और डीकार्बोक्सिलेशन करा दिया, और मालूम है जो प्रोडक्ट बना ना वो टॉलुइन था, प्रोडक्ट कौन था, टॉलुइन। तो आप मुझे इस कंपाउंड ए का पॉसिबल जितने भी पॉसिबल है एक दो तीन स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं क्या, क्या होगी इस ए कंपाउंड की पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, क्या क्या हो सकता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोला है मैंने कि एक ही सी ओ एच है इसमें, सोचो और जवाब दो, यही लॉजिक बनाता है भाई, रिएक्शन को समझने के बाद में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ के वो आप लोगों का नॉलेज भी चेक करने की कोशिश करता है, आपका ब्रेन भी चेक करने की कोशिश करता है, ये एप्टीट्यूड ही तो है एक तरह से, कि थ्योरी पढ़ने के बाद उस थ्योरी को अप्लाई करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि, है ना, बना दो इसको। इसी तरह से एडवांस में मेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके नॉलेज को आपकी लॉजिक जो एप्टीट्यूड है उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड था
तो ए ए के जो स्ट्रक्चर है ना उसका स्ट्रक्चर तो यही है, ये डीकार्बोक्सिलेशन करता है, और ए के स्ट्रक्चर में एस कार्बन का स्केलेटन तो होगा ही होगा ना, मतलब टॉलुइन जैसा तो होगा ही होगा, बस एक सी ओ एच रहा होगा कहीं पर, कहीं भी रहा हो उससे हमें क्या मतलब है, वो तो बाहर निकलेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका कि इस ए की पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगी, सॉल्यूशन ये है कि इस ए का पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि इस जगह भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, इस जगह भी, या फिर इस CH3 की ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पोजिशन पे COOH हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, और इनमें से कहीं भी होता तो वो तो अंत में गायब ही तो होना है और टोलवीन ही तो बच जाना है। इन चारों कंपाउंड में से कोई भी ये हो सकता है, ए का ये पॉसिबल स्ट्रक्चर इनमें से कोई भी हो सकता है। इस तरह से था डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, एक छोटा सा डीकार्बोक्सिलेशन का पॉइंट और बताना चाहूंगा, यहां तक तो लिख लो, नोट डाल के लिखा देता हूं। चलो नोट ही है, देखो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखवा रहा हूं, थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़कर अच्छा खासा माइनस एम ग्रुप बैठा हो, अच्छा खासा कौन, कीटोन या एल्डिहाइड, एक कार्बन छोड़कर, या कोई साइनाइड CN साइनाइड, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़कर खुद कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों ना हो, समझ रहे हो, सुन लो ध्यान से, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़कर माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है, एक ही कार्बन छोड़कर हो, तो इन कंपाउंड्स को केवल हीट कर दो, केवल हीट करने से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, इनमें सोडा लाइम की जरूरत ही नहीं है, डाल दोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल हीट कर दोगे, नोट डाल के लिखवाया हुआ है, वर्ड्स में नहीं लिखवाया, तुम समझ लो, तो उस केस में ये कार्बन CO2 के फॉर्म में निकलता है, और रिमेनिंग पार्ट तो वैसा का वैसा रह जाता है, ये बाहर निकला CO2 बाहर निकला, इसमें ये एल्डिहाइड रह गया, यहाँ CH3 रह गया और CO2 बाहर निकला, इसमें भी एक साइनाइड है ना, वैसा का वैसा रह गया CN और एक CH3, मतलब CH3CN रह गया, उल्टा लिख देता हूँ, ये लीजिए, और CO2 बाहर निकला, इसमें CH3COH रह गया है ना, और एक CO2 बाहर निकल गया, एक तो रहेगा ही ना, दोनों थोड़ा ना निकलेंगे। इस एसिड को कहा जाता है मेलोनिक एसिड, और मेलोनिक एसिड को हीट करते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है, समझ गए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़कर माइनस एम ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप, तो हीट करने से डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये ही इस नोट में मैं लिखवाना चाहता था, जिसको वर्ड्स में मैंने नहीं लिखवाया, लिख लीजिए इसे जल्दी से करो। चलो आज की क्लास में तो इतना ही करते हैं।